तो स्वागत है दोस्तों आपका टेक जादव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड को लेकर। यदि आप अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आप आधार कार्ड नंबर की हेल्प से किस तरह से अपना आधार कार्ड अपने फोन में डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप में मैं लाइव दिखाने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल सके। आइए चलिए कमाल वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन लगा दिया जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए आप हम देखते हैं कैसे कैसे क्या करना होगा। हमको आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने फोन के किसी एक ब्राउजर में जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड ये आपको लिख के सर्च करना होगा। आइए हम यहाँ से सर्च कर देते हैं। जैसे सर्च करेंगे पहले पे UIDAI की साइट आ जाएगी, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करेंगे ना, अब क्या होगा, अब आपके ऑफिशियल आधार कार्ड की साइट ओपन होगी और उसके बाद आपको क्या करना होगा, पूरी बातें मैं समझाऊंगा आधार कार्ड डाउनलोडिंग की पूरी प्रक्रिया। यहाँ पे ऑफिशियल पेज डाउनलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही दोस्तों, ठीक है। आ यहाँ पे इंतजार करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग सिंपल स्टेप में अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड के साइट पे एक और अपडेट है, आप PVC आधार कार्ड मंगवा सकते हैं, यानी प्लास्टिक का आर्डर कर सकते हैं, सबके लिए ये अवेलेबल है। तो आप अगर चाहेंगे PVC आधार कार्ड मंगवाना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं PVC आधार कार्ड की वीडियो बना के ला दूंगा, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पे नीचे चलेंगे। तो यहाँ पे गेट आधार का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इसके नीचे एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड आधार कार्ड, डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपने आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी के मदद से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हम सिंपल अपने आधार नंबर की मदद से करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का जो नंबर होता है वो हम भर देंगे। आइए हम भर के आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भर दिया। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे जो कैप्चा दिख रहा है ना, इमेज में जो फोटो दिख रहा है, इसको ऊपर आपको भरना होगा। जो कैपिटल हो तो कैपिटल, स्मॉल हो तो स्मॉल। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारा कैप्चा, यहाँ पे वाई है, टू है, फिर वाई है, फिर यस है, फिर यहाँ पे स्मॉल एफ है, स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल। अब सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी। OTP के मदद से आप क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों OTP किस नंबर पे आती है, जिस नंबर आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है ना, उसी नंबर पे एक OTP आती है, जैसा मेरे पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। आइए मैं OTP भर के आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम भरेंगे अपना OTP और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं, ठीक है। मैंने OTP फिल कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, यहाँ पे नो ऑर्डर कर देना है, फिर वेरीफाई एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड डाउनलोड होने लगेगा ऊपर, और उसके बाद देखिए आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। आपका आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में चला जाएगा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, ई आधार के नाम से ऐसे आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा, अपने किसी भी रीडर से ओपन करना होगा। ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड क्या भरना है आइए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है अनीस, ANISH, ठीक है, और मेरी जो जन्मतिथि है 5 अक्टूबर 1992 है, ठीक। तो हमको क्या करना है, अपने नाम का 4 अक्षर शुरू कर लेना है, जैसे ANIS, ठीक है, मैंने 4 अक्षर शुरू कर ले लिया। उसके बाद क्या करना है, अपने जन्मतिथि का साल देना होगा, ईयर देना होगा, बस ईयर। जैसे मेरी जन्मतिथि 1992 है तो मैं 1992 लिख दूंगा, बस इतना ही लिखना होगा, ठीक है। तो आपको अपने नाम का 4 अल्फाबेट देना होगा, अपने जन्मतिथि का ईयर्स देना होगा, मतलब 4 डिजिट आपके नाम से, 4 डिजिट आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के ईयर से, 8 डिजिट आपका पासवर्ड होगा। यही डाल के ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। आई मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे, मेरा आधार कार्ड यहाँ से ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल स्टेप में आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।